सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। संसद के सेंट्रल हॉल में अटल ट्राई ने चैनल चुनने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी। पद्म सम्मान नाम के साथ प्रयोग नहीं हो सकते केंद्र। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली संसद के सेंट्रल हॉल में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के तैलचित्र का अनावरण हुआ। राष्ट्रपति ने चित्रकार किशन कन्हाई को सम्मानित भी किया। टीवी ग्राहकों को राहत देते हुए ट्राई ने पसंदीदा चैनल चुनने का समय 31 मार्च बढ़ा दिया है। यह फैसला सोमवार को ट्राई और डीटीएच ऑपरेटर्स तथा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स की बैठक के बाद लिया गया। नया फ्रेमवर्क 1 फरवरी से लागू है। ट्राई ने ऑपरेटर्स से बेस्ट फिट प्लान देने को भी कहा है। भारत रत्न और पद्म सम्मान का इस्तेमाल नाम के पहले या बाद में नहीं किया जा सकता। केंद्र ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। केंद्र के मुताबिक अगर किसी को इन सम्मानों का दुरुपयोग करते हुए पाया गया तो इन्हें वापस लिया जा सकता है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।